नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ मिथुन लगन व मिथुन राशि के लिए जून 2022 का राशिफल। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी मिथुन लगन व राशि के लिए। पंचम भाव में केतु विद्यमान है तुला राशि में, शनि महाराज भाग्य भाव में विद्यमान है कुंभ राशि में और 5 जून को शनि महाराज वक्री हो जाएंगे और वो 5 जून से 23 अक्टूबर 2022 तक वक्री रहेंगे। देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में दशम में विद्यमान है और उनकी लाभेश मंगल के संयुति वहां के आरंभ में होगी। आगे चलकर मंगल लाभ भाव में चले जाएंगे और उनकी वहां राहु और शुक्र के संयुति हो जाएगी। आपके जो तृतीय सूर्य हैं वो आपके लग्नेश बुध के संग द्वादश में युति कर रहे हैं और आगे चलकर सूर्य 14 जून के बाद मिथुन राशि में आपके लगन पर आ जाएंगे। तो ये आपके ग्रहों की स्थिति है मिथुन लगन व मिथुन राशि के लिए। मैं मिथुन लगन व मिथुन राशि के लिए बताऊं कि उनके लिए जून का समय कैसा जाएगा, उससे पहले हम एक चर्चा करें कि एक डेवलपमेंट ये हुई है कि शनि महाराज जो है वक्री हो गए हैं। शनि महाराज 5 जून 2022 को वक्री हो जाएंगे और 23 अक्टूबर 2022 तक वक्री रहेंगे। शनि महाराज के वक्री रहने का प्रभाव मिथुन लगन व राशि पर क्या पड़ेगा, सबसे पहले हम इस पर विचार कर लें। शनि महाराज आपकी कुंडली में बनते हैं भाग्य भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी। अष्टम भाव से एक तो विचार किया जाता है बाधाओं का, मुसीबतों का और ऐसी चीजों का जो अचानक हमारे संग घटती हैं और नेगेटिव घटती हैं, और भाग्य भाव से विचार किया जाता है कि हमें भाग्य का कितना साथ मिलेगा, हमारे पास अपॉर्चुनिटी कैसे कैसे आएंगी, क्योंकि भाग्य जितना बली होता है अपॉर्चुनिटी उतनी हमारे पास अच्छी आती है। लेकिन अब आपका भाग्येश जो है वक्री हो गया तो ऐसी स्थिति में आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है उनके आने की जो संख्या है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि आप मेहनत तो कम कर रहे हैं लेकिन आप उसके अवसर थोड़े से कम मिल रहे हैं, पर ये नहीं होगा कि आपको बिल्कुल ही रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि महाराज तो वक्री हुए हैं लेकिन देवगुरु बृहस्पति जिस जगह पर बैठे हैं वो अपनी स्वराशि में बैठे हैं और 29 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति भी वक्री होंगे, और देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होंगे तो वो मीन राशि का भी इफेक्ट देंगे और कुंभ राशि का भी इफेक्ट देंगे और दोनों जगह पे वो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। तो शनि का वक्री होना आपके लिए सिर्फ अगर हम देखें तो खाली 29 जुलाई तक थोड़ी बहुत टेंशन का समय है, लेकिन उसके बाद का समय जो है आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि 29 जुलाई को जैसे ही गुरु वक्री हो जाएंगे वो शनि की नेगेटिविटी को बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो अगर हम मान के चले तो अब 5 जून से 29 जुलाई तक एक समय ऐसा बनता है मिथुन लगन व मिथुन राशि के लिए कि जब काम आपके थोड़ी सी देरी से हो सकते हैं, परिणाम आपको देरी से मिल सकते हैं, ऑप्शन आपको देरी से मिल सकते हैं, लेकिन 29 जुलाई के बाद आप देखेंगे कि काम आपका तेजी से होने लगेगा। तो अब हम बात करते हैं कि ये आपके लिए जून का महीना कैसा है। जून के महीने में लाभेश मंगल अपनी दशम में विद्यमान है और उनकी दशमेश गुरु के संग युति है और आगे चलकर लाभेश मंगल स्वराशि के हो जाएंगे, यानी कैरियर में ये आगे बढ़ने का समय है। आप अपनी अगर आपके पास जॉब नहीं थी तो आप अपनी जॉब के लिए प्रयास करिए, आपको जॉब मिल सकती है। वर्तमान जॉब में आप प्रमोशन के लिए प्रयास कर सकते हैं, व्यापार में किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि काम आपका जो पहले 15 दिन में होना था अब उसको होने में 1 महीना लग जाए, तो काम होने का रिजल्ट आने में थोड़ी सी देरी होने की संभावना लगेगी, क्योंकि भाग्येश अब आपका वक्री हो गया। फाइनेंस की बात करें तो आपका लाभ भाव बली चल रहा है, इसके कारण वहां पर राहु मंगल व शुक्र की युति चल रही है। ऐसी स्थिति में आपको अगर कहीं से धन आने का इंतजार था जून के माह में तो वो धन आने की पूरी संभावना बनेगी। दाम्पत्य जीवन में सुख मिलेगा, नए काम की शुरुआत के लिए समय अच्छा बना हुआ है। विद्यार्थी वर्ग कुछ पढ़ाई में बाधा का अनुभव करेंगे क्योंकि पंचम भाव में केतु चल रहे हैं और पंचम और लाभ भाव राहु केतु के अक्ष में आ गया है, तो विद्यार्थियों का मन थोड़ा सा पढ़ाई से हटेगा क्योंकि इधर षष्ठेश मंगल की भी पंचम पर दृष्टि आ गई है। जून के माह में ध्यान रखिएगा, या तो आपको संतान को लेकर कोई चिंता हो सकती है, संतान से आपका किसी प्रकार का मतभेद हो सकता है। कुंभ राशि में जो शनि वक्री हुए हैं, जो ये वक्री होने के बाद ये दोबारा से मकर राशि से अष्टम का इफेक्ट देने लगेंगे, इसलिए पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर आपके पिता को कोई हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है तो ध्यान रखिएगा, और अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो ध्यान रखिएगा। सरकार का कारक सूर्य माह के आरंभ में द्वादश में रहेगा, तो सरकार से जुड़े काम में सावधानी कि उच्च अधिकारियों से किसी प्रकार का विवाद या परेशानी ना हो जाए या आपके खिलाफ कोई नेगेटिविटी ना आ जाए। तो पर ओवरऑल मेरा यह मानना है कि मिथुन राशि व मिथुन लगन के लिए कैरियर में आगे बढ़ने का समय है। ये बात सही है कि शनि महाराज वक्री हो गए तो जिसके कारण ऑप्शन आपको कम मिलेंगे, लेकिन तब भी अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति दशमेश आपका बहुत पॉजिटिव और स्ट्रांग होकर बैठा है दशम में, और गुरु जो है दशम का कारक ग्रह होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है।
अब हम देखते हैं कि आपके लिए जो कैरियर में आगे बढ़ने का समय आया है उसके लिए शुभ तिथियां कौन सी हैं। 1 व 2 जून, 6 व 7 जून, 13 व 14 जून, 15 व 16 जून, 21 व 22 जून, 23 व 24 जून, 25 व 28 जून, 29 व 30 जून वो शुभ तिथियां आएंगी जब चंद्रमा बिल्कुल पॉजिटिव होगा और इन तिथियों पे आप कोई काम करने का प्लान करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब मैं आपको जून के माह की सावधानी के दिन बता रही हूँ जब चंद्रमा आपका चौथा, आठवां या बारहवां होगा, यानी चंद्रमा जब कन्या का, मकर का या वृषभ का होगा तो चंद्रमा नेगेटिव होगा। भूल कर भी इन तिथियों पर कोई महत्वपूर्ण काम ना करें, वो सावधानी के दिन है 8 व 9 जून, 10 व 17 जून, 18 व 26 जून और 27 जून। तो दर्शकों ये मेरा वीडियो था कि मिथुन राशि व मिथुन लग्न के लिए जून का माह कैसा जाएगा। 5 जून से जो डेवलपमेंट हो रही है कि शनि महाराज वक्री होने जा रहे हैं, वो 5 जून से 23 अक्टूबर 2022 तक वक्री रहेंगे। तो आपका भाग्य इस वक्री होने से के कारण आपको अपनी मेहनत पे ही ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा। भाग्य के अवसर थोड़े से रुक रुक के मिलेंगे आपको, पर लेकिन 29 जुलाई को जैसे ही देव गुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे शनि की नेगेटिविटी काफी हद तक कम हो जाएगी और आप देखेंगे कि 29 जुलाई के बाद आपका काम पहले की तरह चलने लगा। तो दर्शकों ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।